से बढ़ रहा है आई फ्लू का खतरा। बीएचयू के डॉक्टर बोले 27 साल बाद लौटा संक्रमण, ये है लक्षण व बचाव के तरीके। बारिश और ओलावृष्टि के बाद शहर में कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। रोजाना ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, इससे डॉक्टर चिंतित हैं। बीएचयू में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य का कहना है कि ऐसी समस्या 27 वर्ष पहले हुई थी, तब प्रकोप सा लग रहा था। जिस व्यक्ति में यह समस्या होती है वह 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। सतर्कता व बचाव ही संक्रमण से बचाएगा, लापरवाही हुई तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मंडली अस्पताल कबीर चौरा नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 100 मरीज आ रहे हैं, इनमें से 10 आंखों में संक्रमण से परेशान है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी एस त्रिपाठी ने बताया कि मौसम में बदलाव से दिक्कत बढ़ी है। आंखों में दर्द, खुजली, लालीपन व कीच आने की समस्या है। आंखों को रगड़ने से बचना चाहिए। आंखों को बार बार पानी से धुलते रहें। काला चश्मा लगाकर ही बाहर निकलना, इससे संक्रमण तेजी से नहीं बढ़ेगा। बीएचयू अस्पताल नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 मरीज आ रहे हैं, इनमें से करीब 20 आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस से परेशान है। अध्यक्ष प्रोफेसर प्रशांत भूषण ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से मरीज ज्यादा आ रहे हैं। सामान्य तौर पर यह समस्या बरसात में होती है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आगे चलकर समस्या बढ़ जाती है। आंखों में संक्रमण से प्रभावित लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। उंगली से बार बार आंखों को नहीं छूना चाहिए। 7 से 10 दिन में आई फ्लू ठीक होता है। बीएचयू के राजा राम व एक अन्य छात्रावास में ही 60 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में है। छात्रों की आंखों में लालीपन, खुजली व दर्द की समस्या ज्यादा है। हेल्थ डायरी के साथ सोमवार को कई छात्र नेत्र रोग विभाग की ओपीडी पहुंचे। डॉक्टरों ने आंखों का परीक्षण किया, फिर जरूरी दवाइयां लिखी, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी। नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रशांत भूषण की अगुवाई में एक टीम लगातार छात्रों की निगरानी कर रही है। जागरूकता के लिहाज से छात्रावास के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। आई फ्लू के लक्षण: पलकों का आपस में चिपक जाना, आंखों में जलन, चुभन जैसा महसूस होना और आंखों में खुजली होना और आंखों में कीच आना। ये बरतें सावधानियां: चश्मा लगाकर ही घर से निकलें, दूसरों के रूमाल व चश्मे का प्रयोग ना करें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई दवा न डालें, आंखों को साफ पानी से धुलते रहें और हाथों को साफ रखें।